दोस्तों, मैंने कई सारी मोरल कहानियाँ पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन कुछ मोरल कहानियाँ ऐसी होती है जो बेहद खास होती है क्योंकि वह हमारे खुद के बारे में होती है। आज यह मोरल कहानी भी आपको वही एहसास दिलाने वाली है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसानों के घर के पास रहने पर वो उन्हें वहाँ से हटा देते, इसलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी कि जंगल में ही रहना मुनासिब समझा। स्वाभाविक रूप से वे दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे क्योंकि वे एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और एक लंगड़ा था और वे हमेशा अपने ग्राहकों भीख देने वाले लोग को लेकर झगड़ते रहते थे। आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उनके अपने ग्राहक हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ रहते थे, उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में, इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती, लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था, कारण वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन अपने आप नहीं चल सकता था। वो आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहां से हिल नहीं पा रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां आग अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जल्द ही आग वहां पहुंच सकती थी। जल्द ही वे हर तरफ से आग से घिर जाएंगे। वे दोनों अपना सारा विरोध प्रतिस्पर्धा भूल गए। ये लड़ने का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थीं और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहां भागना है, तेज या धीमे और किन दिशाओं से बचना है। और अंधा लंगड़े को कंधों पर उठाकर दौड़ने के सामर्थ था। वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। ये प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता। आपका दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता। यदि आप अपने दिल और दिमाग को, अपने प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम हैं, तो शायद मन भी कुछ महत्वपूर्ण कह सकता है। ये पूर्ण नहीं हो सकता है, ये संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन ये सही दिशा में एक संकेत हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के साथ आने से गलतियां नहीं होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जब वे अलग अलग रहते हुए होती है।